इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, माइशा, पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। विषयों की आशा नहीं, पांच इंद्रियों के विषयों से जो ऊपर उठ चुकी है, समता ही जिनका धन है, संपत्ति है, जो विलासता सुविधा भोगी होंगे वे कभी साधना नहीं कर सकते हैं। एयर कंडीशन में किसी को भी मोक्ष नहीं हुआ है, एसी में रहने वाले कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। मोक्ष तो उन्होंने ही प्राप्त किया है जिन्होंने शरीर को तपाया, विषय कषायों से आरंभ परिग्रह आदि से जो ऊपर उठे और ज्ञान ध्यान तप की साधना में लगते हैं वे ही वास्तव में तप करने वाले संत महात्मा कहलाते हैं। विषयों की आसानी जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर अपना कल्याण, आत्मा का उत्थान, आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति करने के साथ अन्य संसारी प्राणी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त करें, उन्हें भी समीचीन मार्गदर्शन देते हैं। साधु कोई नशा नहीं करते हैं, साधु कोई इस सांसारिक वैभव से दूर रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए साधुओं के जीवन में साधना होगी तो भक्तों के कष्ट भी दूर होते हैं और भक्तों के जीवन का विकास होता है और लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तो भैया साधना साधु के जीवन में बहुत जरूरी है, तभी वह लोगों को दे सकता है। निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग के कठिन तपस्या, अगर साधु के जीवन में स्वार्थ भावना है, साधु कोई चमत्कार आदि दिखाता है तो साधु की साधना अधूरी है। अरे यह चमत्कार तो सहज में हो जाते हैं जब तप की साधना होती है, संत की साधना होती है, तो ये चमत्कार तो कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार के द्वारा जो आस्था होगी वह आस्था स्थायी नहीं होगी। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में और जैन दर्शन में तो चमत्कारों को कोई महत्व नहीं है। आज चमत्कारों के पीछे दुनिया दौड़ करके किस तरह से अश्रद्धा का पात्र बन रही है, तो हमें जीवन मिला है। साधु जो होते हैं वो बिना किसी स्वार्थ के साधना करते हैं, वो कोई रिद्धि सिद्धि के लिए साधना नहीं करते हैं, वे तो आत्म शांति के लिए, संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। तो मिथ्या भेष जो है वो उचित नहीं है और खोटे व्रत, नियम संयम, एक कटिंग थी जिसमें नवरात्रा चल रहे थे, भैया फरारी जो कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कुछ भी हो कैसा भी खाओ। जैन विधि के अनुसार तो उपवास में बहुत ज्यादा मर्यादाएं हैं, उपवास में कुछ नहीं लेते हैं और कुछ अकेला मात्र जल एक बार लेते हैं और कुछ एकाशन करते हैं, तो बहुत शुद्ध भोजन
यानी बरियार की कोई भी चीज कैसे भी लो, तो जीवन में मिथ्या व्रत न करें, सम्यक व्रत करें। को उपवास भी और दिन भर लगी है फरारी में ही, तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए। तो एक बार ही केवल उपवास करें जिसमें पानी भी लेते हैं, और उपवास नहीं कोई अकेला जल एक बार लेते नहीं, उपवास है जल दिन भर पीते रहो, फरारी है दिन भर खाते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर उपवास का मतलब ही क्या कहलाया। तो मिथ्या व्रत न करें, सम्यक व्रत करें। नंदीश्वर पर्व है, दश लक्षण पर्व है, अष्टमी चौदस के दिन उपवास आदि करते हैं, और मिथ्या शील का परित्याग करें। मिथ्या जो शील है जिसमें वासना बढ़ती जाए वो मिथ्या शील है, और जहाँ वासनाओं का परित्याग हो जाए वो सम्यक शील कहलाता है। और मिथ्या शास्त्र हिंसा में धर्म बताएं, पापाचार में धर्म बताएं, कोई भी मजहब नहीं कहता है तुम किसी को सताओ, कष्ट दो, दुख दो। हर धर्म में जीव रक्षा की बात की है, कोई धर्म नहीं कहता है छान छान किसी की मत मान। ये तो शिव जी की जड़ी बूटी है, शिव जी की आड़ में हमें नशा नहीं करना चाहिए। शिवाजी जो शिवजी थे वे तो बहुत विवेकशील थे, तो आज नशाओं को भी धर्म की आड़ में स्थान दिया जा रहा है। बलि जैसी प्रथाएं अब तो लोगों में बहुत समझदारी है। मैं भी उत्तराखंड में जब पहाड़ी बद्रीनाथ की ओर जा रहा था तो मुझे बताया कि यहाँ पहाड़ी पर रहने वाले लोग, ज्ञान नहीं था, बलि करते थे, लेकिन अब शासन के प्रयासों से अनंत रूप से भी अब लोगों में समझदारी आती जा रही है। बलि देने से तुम्हारे काम नहीं बनेंगे, और तुम्हारे काम बनते हो तो बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हिंसादि कार्य हैं, ये पाप के कार्य हैं। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ये संसार भ्रमण के कारण है, चैडाला में आप सबने पढ़ा है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, तिन सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। बंधुओं, मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्याचारित्य क्या है, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को मानना, पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना, शरीर को ही आत्मा मानना, शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर तो नश्वर क्षण भंगुर है, आत्मा तेरा अजर अमर शाश्वत है। तो इन मिथ्या चीजों से हमें बचना चाहिए, और झूठे जो निमित्त हैं उन निमित्तों की, जो कुदेव कुशास्त्र और कुरु कुगुरु जो संसार को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, और करता है तो वह सम्यक दर्शन की हानि करता है। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को जीवन में स्थान नहीं देता है। हमें यह जीवन मिला है तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, बीतरागी देव ही सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, बीतरागी हैं, यही हमारे आराध्य हो सकते हैं। रागी देसी देवता कभी भी हमारा आराध्य उपास्य नहीं हो सकता है। राग देश इनके समाप्त हो चुके हैं, आप पढ़ते हैं,
अष्टादश दोष विमुक्त दी स्वचतुष्ट मेरा जत गंभीर। 18 दोषों से रहित हो गई, जिनका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं, शोक नहीं, खेद नहीं, इन दोषों से मुक्त होने वाले ही हमारे आराध्य हो सकते हैं। हम तो बिना पेदी के लुटा है, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, ऐसा नहीं होना चाहिए। भी त्राग प्रभु के अलावा यह मस्तक किसी को झुकना नहीं चाहिए। तो घात्य कर्म जिनके नष्ट हुए हैं या घात्य कर्म नष्ट हो गए हैं भी हमारे आराध्य पूज्य हो सकते हैं। तो सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु में हम अपनी आस्था बनाएं, किसी चमत्कार अन्य किसी के भाव में न आए। आज हम वीतराग प्रभु से विमुख होकर के पता नहीं कितने देवी देवताओं के चक्कर में लगे हुए हैं। भैया ये सारे देवी देवता तो जिनेंद्र प्रभु के भक्त, उनके अनुयायी हैं, और उनके अनुयायियों की तो पूजा करो और भगवान को भूल जाओ, ये हमारी अज्ञानता है। और परमात्मा की भक्ति शांति के लिए की जाती है। परमात्मा की भक्ति बंदे तदगुण लब्धये तो सम्यक दृष्टि होता है। वह सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी के द्वारे पर धक्का नहीं खाता है, वह मस्तक झुकाता है। जिनमें कुछ विशेषता है, कुछ जीवन में प्राप्त किया है, वे ही हमारे आराध्य पूज्य हो सकते हैं। वर्णमाला की चर्चा कई दिन से अपनी चल रही है। ये वर्णमाला जीवन की MBA तो कर लेता है व्यक्ति, लेकिन जीवन की वर्णमाला चरितार्थ हो जाए तो बिजनेस मैनेजमेंट सीखने से पहले हमें लाइफ मैनेजमेंट सीखना चाहिए। आज लाइफ मैनेजमेंट में बहुत गड़बड़ी है, उसका परिणाम डेंगू जैसी बीमारियां, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, ये सब हमारे और आपके द्वारा ही बुलाई जाती है। आपकी जीवन शैली आपको रोगी बनाती है, आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ बनाती है। आज एक देहरादून का परिवार फैमिली के साथ आया और मैं उस समय कुछ बच्चों को नियम दिला रहा था, तो उन्होंने कहा हम भी देहरादून से आए हैं, बच्चे पास में खड़े थे, मेरी हैबिट रहती है बच्चे, अगर एक बच्चा मंदिर से जुड़ जाता है तो मुझे लगता है एक परिवार का निर्माण, एक गांव का निर्माण मैं मानता हूँ। क्योंकि एक बच्चा मंदिर से जुड़ेगा, माँ पिता से जुड़ेगा, भारतीय संस्कृति से जुड़ेगा, तो वह एक पता नहीं कितने लोगों को प्रकाशित करेगा, कितने लोगों को आदर्श बनाएगा, ऐसी मेरी सोच है। एक से ग्यारह होते हैं, ग्यारह से एक से ग्यारह होते हैं। लोग कहते हैं एक व्यक्ति के धर्म से क्या होता है, और मैं कहता हूं इंजन तो एक ही होता है, दिव्य बहुत होते हैं, सूर्य तो एक ही होता है, तारे बहुत होते हैं। और मैं उन पंक्तियों को हमेशा याद दिलाता रहता हूँ, इकलौ चलोरे रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता। एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। लोग तो कहते हैं एक मुहावरा है, अकेला चना क्या भार भूंजेगा, लेकिन बंधुओं एक में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक सज्जन पुरुष किसी जगह रहता है तो पूरे वातावरण को महका देता है, शांति का वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण, आनंद का वातावरण। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा आप देहरादून आए थे तो हम आपके सब नियम पाल रहे, हमारे बच्चे भी वे नियम पाल रहे हैं।
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सोच रहा था कि कहती है पता नहीं कुछ असर होता है नहीं होता है, तो लगा कुछ असर तो होता है। मैं उस फैमिली से परिचित नहीं था, प्रवचन में बहुत लोग आते हैं, लेकिन आज दर्शन के लिए जब वो देहरादून से हम केवल आपके दर्शन के लिए आए हैं और मैं फैमिली के आए, तो बच्चे भी टीवी देखते देखते भोजन नहीं करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, और भी जो आपने हमने जो सुना था, हमारी पूरी फैमिली, पूरे बच्चे और हम दंपति दोनों, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह से अगर हमारे घर आदर्श में बनेंगे तो शांति समृद्धता निरोगता बढ़ेगी और सज्जन लोगों के होने से दुर्जन लोग सहज में ही अपनी दुर्जनता को छोड़ सकते हैं। वर्णमाला की मैं बात आपसे कर रहा था, तज जो है वो हमें बताता है तत्पर रहो। हम कोई भी कार्य करते हैं तत्परता के साथ नहीं करते, मंदिर में जाएंगे तो कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, मॉल में जाना है तो बड़ा उत्साह रहता है, होटल के लिए तो बहुत उत्साह रहता है, लेकिन मंदिर और धार्मिक कार्य और धर्म सेवा के लिए कम उत्साह रहता है। कुछ लोगों के अंदर तो बहुत उत्साह होता है, जब शिखर दिखती है तो गदगद हो जाते हैं। परमात्मा के दर्शन करता है व्यक्ति, इतनी प्रसन्नता की अनुभूति, रंक मानो निदलई, देव शास्त्र गुरु को देख करके गदगदता रोमांचित आप होते हैं, तो पता नहीं कितने कर्म आपके आपसे विदा ले जाते हैं और कितने पुण्य परमाणु आपके अकाउंट में सहज में ही पहुंच जाते हैं। तो जो भी धार्मिक क्रिया करे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, और पाप कार्य करे तो निराशा के साथ करोगे तो पाप कर्म का बंध कम होगा। तो हमें जीवन मिला है, पूजा करें, अभिषेक करें, आहार दें, पूरा उपयोग हो, तत्परता के साथ काम करें। ये नहीं मन कहीं है, वचन कहीं है, काय कहीं है, तो उसका आनंद आप ले नहीं पाते हैं। ये तो धार्मिक क्षेत्र हुआ, लौकिक कार्य में भी तत्परता की आवश्यकता है। आप दुकान पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, और व्हाट्सएप के फेसबुक के चक्कर में आप लगे हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, माइशा, पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा, श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।